विद्वजन, पूज्य माताओं, बहनों तथा बंधुजन, आज समाज में कर्मकांड से तात्पर्य सभी लोग जादू टोना, अंधविश्वास, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन ही समझते हैं। उन्हें कर्मकांड का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कर्मकांड के नाम पर हो रही इन रूढ़िवादी भ्रांतियों को दूर किया तथा मानव मात्रों को वेदों का अध्ययन करने तथा वेद प्रतिपादित सभी यज्ञों को करने का आदेश दिया। यज्ञ को देव यज्ञ, हवन, होम तथा अग्निहोत्र भी कहा जाता है। अग्निहोत्र करने से रोग नष्ट होते हैं, वायु शुद्ध होती है, जल पवित्र होता है, इससे आरोग्य होता है और रोगों के नष्ट होने से सुख की प्राप्ति होती है। यज्ञ से और भी अनेक लाभ होते हैं जिसकी चर्चा महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद विषय विचार प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण का वचन उद्धृत करते हुए किया है। वचन है, अग्निर्वे धूमो जायते धूमात अभ्रात वृष्टि अग्निर्वा एता जायते तस्मादः तपोजा इति। अर्थात अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, धुएं से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से धातु, धातु से शरीर उत्पन्न होता है और इनसे कर्म बनते हैं। यज्ञ को संपन्न करने के लिए उसमें किस प्रकार के पदार्थ डालने चाहिए, इसका दिग्दर्शन करते हुए महर्षि लिखते हैं, सच अग्निहोत्रम आरभ्य श्वमेध पर्यन्तेषु यज्ञेषु सुगंधि मिष्ट पुष्ट रोग नाशक गुणैर्युक्तस्य सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायु वृष्टि जल शुद्धिकरणार्थम अग्निहोम क्रियते सतत सर्व जगत सुख कार्य भवति। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो कर्मकांड है उसमें चार प्रकार के द्रव्यों का होम करना होता है। एक सुगंधयुक्त जो कस्तूरी केसर आदि है, दूसरा मिष्ट गुणयुक्त जो गुड़ शहद आदि है, तीसरा पुष्टिकारक गुणयुक्त जो घृत दुग्ध अन्न आदि है और चौथा रोग नाशक गुणयुक्त जो कि सोमलता आदि औषधि आदि है। इन चारों का परस्पर शोधन संस्कार और यथा योग्य मिला के अग्नि में युक्ति पूर्वक जो होम किया जाता है वह वायु और वृष्टि के जल की शुद्धि करने वाला होता है। इससे सब जगत को सुख होता है। मनुष्य अग्निहोत्र करते समय कितनी आहुति प्रदान करे तथा एक एक आहुति का क्या परिमाण होवे, इस विषय में भी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य 16-16 आहुति और 66 माशे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, इससे अधिक हो तो बहुत अच्छा। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। जो अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। इसलिए अतः हमें समर्पित भाव से परस्पर मिलकर यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ परोपकार का काम है। इसको प्रतिपादित करते हुए महर्षि आगे लिखते हैं, जैसे दाल और शाक आदि में सुगंध द्रव्य और घी उन दोनों को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोक देने से वो सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगंध द्रव्य और घी के अणु उनको सुगंधित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं। वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत को सुखी करता है। महर्षि के वचन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। यज्ञ हमें परोपकारी बनना सिखाता है। अतः मनुष्य मात्र के हितार्थ परोपकारार्थ सभी को नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। आज वर्तमान में लोग अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के मुख्य कर्म अग्नि में आहुति देना यज्ञ करना भूल जाते हैं। जीवन का मुख्य कर्म ईश्वर उपासना है जो कि बिना यज्ञ के संभव नहीं। यज्ञ के महत्व को बताते हुए महर्षि पंचमा यज्ञ विधि में लिखते हैं, प्रातः प्रातर गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सोमनस्य दाता वसुर वसुर वसुधाना एधिन धानास्त्वा शतम हिमारिधेम। अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग 100 हेमंत ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यंत अर्थात 100 वर्षों तक धनादि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हो। महर्षि के उक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रातः सायं दोनों समय अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना नित्य प्रति करना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी, यदि आज का मानव अपने श्रेष्ठतम विकास के साथ साथ
इस विश्व को भी श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो उसे यज्ञों के महत्व को समझकर जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। नमस्ते।